लोग मेरे से कह रहे थे कि आप ईयरबड्स या नेकबैंड पे कोई वीडियो नहीं बनाते, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। और यहाँ पे मैं परफेक्टली आप सभी के लिए कौन से बर्ड्स बेटर रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। वैसे जो लॉन्च हैं रिसेंटली उनके बारे में भी, या कोई सेल पे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो होने वाली है अमेज़ॉन की, खासकर अमेज़ॉन पर जो भी डील्स अवेलेबल है आपकी कंसिडरिंग आपके बर्ड्स के ऊपर, तो उसी पे हम बात करेंगे। अप टू 80% का ऑफर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, और साथ में 10% का और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड या ICICI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो आपको अप टू 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप वैल्यू मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ कर लेते हैं जो भी आपका चेकआउट पेज पे, तो आपको अराउंड जो डिस्काउंट मिलेगा वो 500 रुपये का मिल जाएगा। तो बहुत ही कमाल की बात है ना। तो गाइज इस अलर्ट वीडियो को आप सभी के लिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे मैं आपको एक कंफर्म बता दूं कि 20 तारीख को जो सेल है वो खत्म हो जाएगी अमेजोन की। मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके पूछा, तो उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर ये सेल खत्म हो जाएगी दिवाली वाली। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ ऑफर्स मिलते हैं, और कौन से बर्ड्स को आप बेसिकली ग्रैब कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए के, 2,000 रुपए के या 3,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में, प्रीमियम मिड रेंज टू प्रीमियम, राइट। तो गाइस अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो यहाँ पे JBL पे अच्छा ऑफर चल रहा है, या बोस पे अगर आप प्रीमियम रेंज में जाना चाहते हो, सोनी पे भी अच्छा ऑफर चल रहा है। जो 34,000 के हेडफोन्स है वो तो एयर वो आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ 26,990 में। और बोट जो मिड रेंज है और नॉइस पे भी ऑफर चल रहा है, और इस पे भी ऑफर चल रहा है। तो गाइस बात करते हैं इन्हीं सब के बारे में, और वैसे बजट रेंज में हम खास कर देखेंगे और आपके लिए कौन से बर्ड्स बेटर रहेंगे, तो उस पर चलते हैं। वैसे बेस्ट बाय लिंक अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके सीधे बाय कर सकते हो हर एक बर्ड की। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोट से। तो बोट के जो बर्ड्स हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं, बोट एडोब्स के नाम से आते हैं, एडोब्स 141, 131, 121 V2 या 121। तो यहाँ पे 121 V2 की बात हम करें, ये मेरे पास है ऑलरेडी, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग रिव्यू पड़ा हुआ है, बहुत पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, करीब 2-1.5 साल तक हो चुका है इसको। अच्छे हैं बट उतना कुछ खास नहीं है, मतलब कानों से गिर जाते हैं खासकर बहुत जल्दी, तो इसमें थोड़ा सा इशू होता है ट्रू वायरलेस बर्ड्स वाले में। तो ये आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, मैंने 899 रुपीज़ में बाय किए थे, तो कोई मतलब बनता नहीं है मेरे ख्याल से, अभी ये 999 के मिल रहे हैं, तो इसको स्किप कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्रीमियम रेंज से, पहले थोड़ा सा बजट रेंज में देख लेते हैं। पीट्रॉन के बास बर्ड्स डियो, ये मैंने अभी ये मेरे फ्रेंड ने बाय किए हैं अभी हाल फिलहाल में, 600 रुपये के बाय किए थे अभी जब बिग बिलियन डे सेल के साथ साथ, जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ये चल रही थी, स्टार्ट हुई थी जब, तो 600 रुपये में बाय किया था। हुआ क्या कि एक साइड का बर्ड काम करना बंद कर दिया, उसके बाद जैसे तैसे करके वो वापस से सही हो गया, फिर उसके बाद दोबारा ख़राब हो गया। तो इसका लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग टर्म मतलब कह सकते हो रन टाइम के लिए सही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको रिकमेंड नहीं करता, उसके पैसे ख़राब हो चुके हैं। तो आप भी मतलब ना ही बाय करिएगा पीट्रॉन के बास बर्ड स्टूडियो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे एक और आ जाता है, यहाँ पे 1,000 रुपये के अंडर ही थोड़ा सा आप अगर बजट बढ़ा सकते हो तो ओप्पो के बर्ड्स बहुत ही बेटर रहते हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी, ओवरऑल कह सकते हो जो अगर आपको मूवीज़ के लिए या गेमिंग के लिए या मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल्स वो सब चीज़ें आपको बेटर चाहिए, तो आप डेफिनेटली ओप्पो इनको बर्ड्स के लिए जा सकते हो। बजट ब्रैकेट में 24 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है, इंटेलिजेंट कॉल नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है, 80 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस आईफोन्स में तो आपको लैग नहीं मिलेगा देखने के लिए, बट एंड्रॉयड में आपको थोड़ा बहुत लैग मिलता है, मतलब अच्छा खासा लैग मिलता है, थोड़ा बहुत क्या मैं बोलूँ आपसे, बट ये जो बर्ड्स होते हैं इसमें गेमिंग मोड होता है, लेटेंसी होती है, तो वो मैक्सिमम कम हो जाती है, ठीक है। आगे बात आती है यहाँ पे नॉइस के बर्ड्स VS 104। तो गाइज ये भी वन ऑफ द बेस्ट हैं, इसको ऑन ऑफर मैंने बाय किया था अराउंड मेरे ख्याल से 1,000 रुपये के थे, अभी जो प्राइस है वो 1,500 रुपये चल रहा है, तो 1,500 में क्या लेना, सही रहेगा ये डेफिनेटली सही रहेगा, बट थोड़ा सा और कम हो जाता तो और भी बेटर था, मतलब 1,299 तक जाता तो और ज़्यादा बेटर था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वैसे मैंने अभी आपको एग्जैक्टली नहीं बताया बट मैंने एक बता दिया, ओप्पो के एन को जो बर्ड्स हैं वो कमाल के हैं अभी अंडर 1,500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बोट्स के एडोप्स 141, ये गाइज डेफिनेटली यहाँ पे चूजेबल हैं, इवन अगर मैं कंपेयर करूँ आपके ओप्पो वाले से, अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए, अगर आपको प्ले टाइम ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे लेटेंसी भी दी गई है, तो गेमिंग मोड भी यहाँ पे डेडिकेटेड मिल ही जाता है, तो गाइज इनको आप चूज़ कर सकते हो सिर्फ 1,100 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। येस गाइज बोट के एडोप्स 141 ये रहेंगे नंबर वन प्रायोरिटी पे, उसके बाद आपके ओप्पो के हैं, अभी आगे चलते हैं क्या पता इससे जो बेटर है प्रायोरिटी पे चले जाएं, वैसे यही है नंबर वन पे अभी। नेकबैंड की बात हम करें यहाँ पे, नेकबैंड को भी चूज़ कर लेते हैं। वैसे वन प्लस के Z2 बहुत ही कमाल के हैं, वैसे अगर आप चूज़ करना चाहते हो रियलमी बर्ड से ज़्यादा बेटर आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी ओवरऑल वन प्लस के बर्ड्स Z2 की। और उसी के साथ साथ यहाँ पे रियलमी बर्ड्स वायरलेस में बेस तो ज़्यादा मिलता है, बट यहाँ पे जो
रन टाइम मिलता है वो थोड़ा सा कम मिलता है, यहाँ पे 15-16 घंटे का मिलता है, बट OnePlus Z2 में आपको 20 घंटे का प्ले टाइम मिलता है और 10 मिनट का चार्ज 20 घंटे का प्ले टाइम देता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, तो ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मीवी ड्यू पॉड्स A550। मीवी के इंडियन ब्रांड है बेसिकली, तो इसको मैं नंबर वन पे रखना चाहूँगा। मीवी के ड्यू पॉड्स F40 भी अवेलेबल हैं, वो आपके फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं बेसिकली, वो आपको 799 मिल रहे हैं, बट अगर आपको और ज़्यादा रन टाइम चाहिए कम प्राइस में तो आप उनके लिए जा सकते हो, बट थोड़ा सा डिफरेंस जो है पावरफुल जो बास है वो इसमें देखने को मिलता है मीवी ड्यू पॉड्स A550 में। 1100 रुपये की मिल रही है अभी आपको, क्वाड माइक ENC का सपोर्ट मिलता है, तो कॉल क्वालिटी आपकी बोट के वाले से ज़्यादा बेटर रहेगी, तो इनको हम चलते हैं नंबर वन पे रखते हैं। बट इनसे भी बेटर हैं मीवी के ड्यू पॉड्स F40 जो आपके फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं 799 तक के प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसकी बेस्ट वैल्यू अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके बाय कर पाओगे वैसे। तो वो नंबर वन पे है, सेकंड नंबर पे मीवी ड्यू पॉड्स A550 हैं, और थर्ड नंबर पे बोट के एयरड्रॉप्स वाले आ जाते हैं, ये जो हमने देखे थे 141, ठीक है। अब यहाँ पे ये USA का ब्रांड है, BTW 100, और 1400 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रहे हैं। इसको मैं रिकमेंड नहीं करता, क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे जो बेस है वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगा आपको। इसका मैंने एक मैंने बर्ड्स मंगाए हुए थे, उसकी मैंने साउंड क्वालिटी सुनी थी, तो उतना ज़्यादा अच्छे नहीं थे ये, मैंने बीच में मतलब मंगाए थे, अनबॉक्सिंग भी कर रखी है शायद मैंने। नेक बैंड है, 100 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है, तो चेक किया था मैंने, उतना ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, तो यहाँ पे बेस लैग करते हैं कहीं ना कहीं। बोल्ट के ऑडियो सुपर सुपर बेस चाहिए आपको तो बहुत ही कमाल के हो सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा बेस मिलेगा आपको सुनने के लिए, और 40 आवर्स का प्ले टाइम है, प्ले टाइम भी इसमें अच्छा खासा दिया गया है, ठीक है। इवन इसको तो सरपास कर ही जाते हैं जो आपके 50 आवर्स के प्ले टाइम देते हैं मीवी वाले, बट अगेन आपको बेस ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए जा सकते हो। मीवी में इससे थोड़ा सा कम मिलता है बेस, बोल्ट बेस के लिए माना जाता है, वो थोड़े से वही है कि वोकल्स दब जाते हैं इसमें पर। ओवरऑल साउंड क्वालिटी बेटर चाहिए तो ऑब्वियसली बात है ओप्पो के लिए जाना पड़ेगा आपको, और साउंड क्वालिटी प्लस आपको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा चाहिए तो आप उसके बाद OnePlus के लिए जा सकते हो, और उससे नीचे आप क्या आते हैं अगर आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो मीवी के ड्यू पॉड्स के लिए जा सकते हो, बट ज़्यादा बेस चाहिए तो आप इनके लिए जा सकते हो, बोल्ट के ऑडियो Z20, ठीक है, 1100-1100 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे OnePlus के नॉट बर्ड्स आते हैं जो हैं 2500 रुपये के अंडर, तो थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रीमियम रेंज की तरफ चलते हैं। नॉट के बर्ड्स जो हैं 2400 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रहे हैं, तो क्या ये बेटर रहेंगे? यस गाइस डेफिनेटली बहुत ही बेटर रहेंगे, इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है, 30 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है आपको, और IP55 रेटिंग भी है इसमें, लुक और फील भी अच्छा है इसका, और स्नग फिट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है ये, और 30 आवर्स का प्ले टाइम है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अच्छा खासा आपको यूजेस मिल जाएगा, 2 दिन आराम से आपके रन कर जाएंगे, राइट। और अगेन गाइज यहाँ पे फर्दर आपके बोट के एयरडोप्स 190 मिल जाते हैं, अगर गेमर्स पर्टिकुलरली लेना चाहते हैं जो गेमिंग ज़्यादातर करते करते हैं तो उनके लिए बेटर हो सकते हैं यहाँ पे बोट के एयरडोप्स 190, ठीक है। या आपके वी कूल के भी हैं मतलब गेमिंग वाले, तो गेमिंग वाले कौन से बर्ड्स आपको लेने सही रहेंगे? देखिए मेरे पास तो DeFi के ग्रेविटी टर्बो हैं, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा खासा उसमें आपको मिल जाता है बैटरी बैकअप, बट गाइस अगर आपको कम प्राइस में चाहिए तो ऑब्वियसली बात है DeFi के अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे 1000 रुपये के अंडर अंडर, यहाँ पे इसके भी आपको मिल जाते हैं बोट के एयरडॉप्स 190, ये भी अच्छे हैं, बट ये 1300 रुपये इसका प्राइस जा चुका है, तो इससे ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलता है आपको उसमें और बेस ज़्यादा मिलेगा इससे, तो आपको चूज़ करना चाहिए DeFi रैदर देन गोइंग फॉर बोट एयरडॉप्स, राइट। अब गाइस यहाँ पे और कौन से हैं, टैग के सोनिक एंगल 2 10 वॉट विद डेडिकेटेड बास रेडिएटर, तो गाइस 1800 रुपये के ये प्राइस में ज़्यादा चले जाते हैं, तो टैग को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, बेस ओके रहता है इसका और साउंड क्वालिटी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा। अमेजोन के बेसिक्स ये बेसिक्स ही रहते हैं, इसको तो हम साइड करते हैं, हाँ बट अगर आपको नेकबैंड चाहिए अमेजोन के बेसिक वाले ये सही रहेंगे, मतलब 500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। तो गाइस मेरे ख्याल से मैंने कवर कर दिए अप टू 1000 या 2000 या 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मैंने आपको बताया दिया, रेदर देन अदर वंस जो अभी अवेलेबल हैं, मैं सबकी बेस्ट वैल्यू अपडेट कर दूंगा। मैंने आपको बता दिया कि मतलब बेस ज़्यादा चाहिए तो आपको बोल्ट के लेने पड़ेंगे, ओवरऑल मतलब मूवी म्यूजिक के लिए चाहिए तो आपको मीवी के लेने पड़ेंगे बेटर रहेंगे, और सिर्फ साउंड के लिए चाहिए आपको तो ओप्पो के बेस्ट हैं, बेस्ट बेस्ट है। प्रीमियम रेंज में मैं बताना चाहता हूँ, वैसे प्रीमियम रेंज में आप सैमसंग के ले सकते हो, सैमसंग के ऑन ऑफर चल रहे हैं अभी, अभी मैंने देखा था यहाँ पे सैमसंग वाले कहाँ गए, सैमसंग वाले एक थे सैमसंग के जो अभी ऑन ऑफर चल रहे हैं तो आप उनको चूज़ कर सकते हो, वैसे 8-9000 रुपये के मिलते हैं और अभी ऑन ऑफर आपको देखने को मिल रहा है 6-9 मंथ में, यस। अब गाइस अगर आप 5000 से ऊपर बढ़ जाते हो तो एक काम और करना, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगाना, आप कार्ड से पेमेंट करना, सिटी बैंक
एक्सिस बैंक या आईसीआईसी के कार्ड से, तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सपोज सैमसंग के गैलेक्सी बर्ड्स प्रो लेते हो आप, तो यहाँ पे 600 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अराउंड ये पड़ जाएंगे करीब करीब 5400 रुपये के। तो कमाल की डील रहेगी आप सभी के लिए, ठीक है। जे बी एल लाइफ फ्री, ये आपको 8000 के पड़ रहे हैं, बट ऑन ऑफर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 800 का डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट। तो एक काम यही करना कि चेकआउट पेज पे आप कूपन कोड लगा के, मतलब कूपन कोड नहीं, आप जो कार्ड है उससे पेमेंट करना क्रेडिट कार्ड से, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये था एक सिंपल सा अलर्ट वीडियो आप सभी के लिए। अगर आपको क्वेरी किसी भी बर्ड्स के रिलेटेड रहता है इसके बाद भी, तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।